पता है शादीशुदा लोग ना न्यूज़पेपर में अपनी राशिफल नहीं देखते हैं। वो लोग सुबह उठ के अपनी पत्नी का फेस देख के ही समझ जाते हैं कि उनका दिन कैसा रहेगा। वेल हेलो गाइस, आप लोगों को अगर अच्छे से जीवन बिताना है तो अपनी पत्नी को हैप्पी रखो यार। अगर वो बिगड़ गई ना तो लाइफ की सारी प्रॉब्लम आप ही को मिलेगी, आप ही को सारी टेंशन होगी। तो अपनी पत्नी को खुश रखो और हैप्पी रखो। सो इंडिया दिस इज मंसरी और आज मैं बात करने वाली हूँ मी टू मोमेंट। मी टू मोमेंट इंडिया में अभी बहुत ही ट्रेंडी है, एक ऐसा मोमेंट जो कि सेक्सुअल हेरासमेंट के अगेंस्ट है। हाल फिलहाल में ही नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स की जो चीफ है उनका बयान आया था कि लड़कियां अगर कपड़े अच्छे से पहने, वेल ड्रेस रहे तो क्राइम को कम किया जा सकता है। लड़कियां अगर ड्रेस अच्छे से पहनती हैं तो क्राइम को अवॉइड किया जा सकता है। ट्विटर पे, इंस्टा पे ऐसे ढेर सारे कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं कि लड़कियां अगर बुरके में रहे, सलवार सूट पहने तो क्राइम कम होगा। क्या सच में हमें अपनी कपड़े चेंज करने की ज़रूरत है या लोगों की माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है? सो प्लीज़ गर्ल्स, डियर गर्ल्स, आपसे रिक्वेस्ट है, बी बोल्ड, बी फ्रैंक। हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें लोगों की माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, ना कि अपने कपड़े चेंज करने की। इंडिया में ऐसे ढेर सारे कॉन्स्टिट्यूशन हैं वुमेन्स के लिए, लेकिन उसका क्या फ़ायदा जब उसकी कोई इज्जत ही नहीं है? वुमेन्स को इंडिया में अगर अकॉर्डिंग टू धर्म देखें तो वुमेन्स को देवी माना जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सोसाइटी देखें तो वुमेन्स एक डॉल है, यूज किया, थ्रो किया और फेंक दिया। सो प्लीज गाइस, आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी माइंडसेट चेंज करो, आप लोग अपनी मेंटेलिटी चेंज करो, हमें जज मत करो कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बॉलीवुड में देखा जाए तो अगर एक्ट्रेस किसिंग सीन करती हैं तो उनको क्या कुछ नहीं बोला जाता है कि वो प्रोस्टिट्यूट है, वो ये है, वो है, ऐसे है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट डायरेक्टर उनके परमिशन से किसिंग सीन करते हैं, ना कि उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, ना कि उसे हैरेस्ट करते हैं। सो प्लीज गाइस, गांव हो या शहर हो, गर्ल्स हमें चुप मत नहीं रहना है, हमें आवाज़ उठाना है, क्योंकि हमारी चुप्पी ही लोगों को क्राइम का बढ़ावा देता है। सो प्लीज आवाज़ उठाओ, अपने ऊपर हुए अत्याचार को मत सहो, उस जुर्म को खत्म करो, उस जुर्म को जड़ से मिटा दो, उस जुर्म को हटा दो। सो प्लीज गाइस, इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना लाइक करो, इतना कमेंट करो कि वुमेन्स के ऊपर होने वाले अत्याचार खत्म हो जाए।